नेहा पूछ रहे हैं हिस्ट्री सोशियोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए और मेजर और माइनर को देखते हुए बेस्ट आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, सिंपल है, लेकिन वो कॉलेज किस कॉलेज में अवेलेबल है ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपका है हिस्ट्री सोशियोलॉजी, है ना, ये दोनों मिलके SST बन गया। SST अब क्योंकि आपने तीन तीन साल देखिए क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, दो सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं, यस पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल बन रहे हो क्योंकि आपने तीन साल पढ़े हुए, एडिशनल कोई नहीं देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये इलेक्टिव सब्जेक्ट बने हैं, और TGT के लिए ये आप एलिजिबल बन रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, PGT के लिए नहीं, SST के साथ PGT के लिए नहीं, ओके। तो यही बेटर है क्योंकि ये इसकी जॉब ज़्यादा निकलती हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपने, हाँ, मेजर सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, आपने मेजर सब्जेक्ट SST ही फिल करना है। दूसरा आपका फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन आप माइनर लेंगे कॉलेज में जाके, SST मेजर फिल कर दीजिए और उस कॉलेज को प्रेफर कीजिए जिसके पास SST के साथ फिजिकल है, ये सभी कॉलेजेस के पास नहीं होगा। नॉर्मली आपको SST के साथ पंजाबी और इंग्लिश दी जाएगी, आपके ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर आप पंजाबी लेते हो या इंग्लिश लेते हो, क्योंकि ये जनरल पंजाबी और जनरल इंग्लिश है, इसलिए आपको फिर BEd के इलेक्टिव तीन साल के, ये दो कंडीशंस आपको फिर पूरी करनी पड़ेगी, एडिशनल देने पड़ेंगे इसके लिए BA के, ओके। अगर आप BEd में ये पेडागोजिकल सब्जेक्ट ले लेते हो, तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन ले लेते हो बाद में इसके लिए एलिजिबल होना चाहते हो, तो बाद में आप BA का एडिशनल और BEd का एडिशनल दे दीजिए, लेकिन अभी आप अगर SST फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, बेशक दूर कॉलेज मिलता है, फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए दो सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो गए, एक तो SST के लिए और एक फिजिकल एजुकेशन के लिए। ये ऑड कॉम्बिनेशन है, हर कॉलेज में नहीं होता, इसलिए दिखा देता हूँ, प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है, आप इसको रेफरेंस दे सकते हो, ये जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का BEd एंट्रेंस टेस्ट और काउंसलिंग का है प्रॉस्पेक्टस, उसमें है। तो और ये 10 नंबर है, ये इन्होंने आर्ट्स ग्रेजुएशन BA LLB के कॉम्बिनेशन दिए हैं। ये रहा फिजिकल एजुकेशन एंड लैंग्वेज आपका, सॉरी, ये रहा आपका SST, आपने ये मेजर फिल करना है और फिजिकल एजुकेशन आपने कॉलेज में ले लेना है। तो ये भी पॉसिबल है आपका, आप फिजिकल एजुकेशन को मेजर फिल कर लो, लेकिन SST को मत छोड़ो, क्योंकि पोस्ट जॉब जो गवर्नमेंट जॉब है इसकी ज़्यादा निकलती है, बहुत ज़्यादा, है ना, 900,000 के करीब एक बार निकल आती है, और फिजिकल एजुकेशन की कम होती है, दैट इज़ वाई दूसरा नंबर ही फिजिकल एजुकेशन का आपका होना चाहिए। बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका हो गया SST एंड फिजिकल एजुकेशन। थैंक यू।